आज की क्लास में हम लोग वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस करेंगे बहुत बेसिक वाले वर्ड मीनिंग है जो आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आएंगे तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं सबसे ज्यादा रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्दों के ऊपर आज की क्लास है शब्द बताऊंगी उनका मतलब बताऊंगी साथ ही उनका इस्तेमाल भी आपको बताऊंगी क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहला जो वर्ड मीनिंग है आपके सामने वो है Each, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं जब भी आप अपने हिंदी वाक्य में प्रत्येक या एक दूसरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आप यूज करेंगे अंग्रेजी में each. E -A -C -H, each. जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं नो ईच अद हम एक दूसरे को जानते हैं नो ईच अद कहना या बतलाना अगर आप अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द टेल का टी ई डबल एल आप इस्तेमाल करेंगे इस शब्द का जिसका मतलब होता है कहना या बतलाना अपना नाम बताओ टेल योर नेम अपना नाम बताओ टेल योर नेम दयालु इस्तेमाल करेंगे शब्द काइंड का के आई एन डी काइंड जिसका मतलब होता है दयालु कोई व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है जरूरतमंदों की मदद करता है उसको कहते हैं काइंड यानी कि दयालु हिंदी में दयालु कहते हैं अंग्रेजी में काइंड कहते हैं जैसे दयालु बनो बी काइंड दयालु बनो बी काइंड अगला शब्द है तरह या प्रकार इसके लिए भी अंग्रेजी में हमारे पास शब्द है काइंड आई एन डी काइंड तो इसे आप क्या समझ सकते हैं आप ये समझ सकते हैं कि काइंड जो इंग्लिश का वर्ड है के आई एन डी इसकी स्पेलिंग होती है ये जो इंग्लिश का वर्ड है इसका इस्तेमाल जो है आप दो तरह से करते हैं आप अपने हिंदी के वाक्य में तो मतलब अलग अलग होता है पर अंग्रेजी में जो है इसका आप दो अलग अलग तरह के वाक्य में इसका इस्तेमाल करते हैं एक जहां पर काइंड शब्द का अर्थ होता है दयालु और दूसरा जहां पर काइंड शब्द का अर्थ होता है तरह या प्रकार जैसे एक किसी एक चीज का कोई तरह है जैसे इसके दो प्रकार हैं। इट हैज टू काइंड जैसे मान के चलिए आप कोई फोन लेने गए हैं दुकान पर और दुकानदार कहता है कि ये जो मॉडल है इसके दो प्रकार हैं। दो प्रकार में एक में आपको ये ये चीजें मिल रही हैं, दूसरे में आपको ये ये स्पेसिफिकेशंस मिल रहा है तो ये क्या हो गया तरह यानि कि प्रकार बढ़ते हैं आगे चाहना जिसका मतलब होता है वॉन्ट क्या मतलब होता है वॉन्ट डब्ल्यू एन टी वॉन्ट इसको पढ़ते हैं मुझे ये कलम चाहिए आई वॉन्ट दिस पेन मुझे ये कलम चाहिए आई वॉन्ट दिस पेन डालना रखना लगाना इस्तेमाल करते हैं शब्द पुट का पी यू टी पुट डालना रखना लगाना इस्तेमाल करते हैं शब्द पुट का जैसे इसे वहां रखो पुट इट देयर इसे वहां रखो पुट इट देयर जरूर चाहिए ये अगला शब्द है हमारा जिसकी अंग्रेजी होती है मस्ट एम यू एस टी मस्ट जरूर चाहिए यानी मस्ट आपको जरूर जाना ही चाहिए यू मस्ट गो नाउ आपको जरूर जाना ही चाहिए यू मस्ट गो नाउ ऐसा इस्तेमाल करते हैं शब्द सच एस यू सी एच ये जो सच शब्द है ये हिंदी में जो सच सच्चाई वाला शब्द होता है वो नहीं है एस यू सी एच इसका उच्चारण किया जाता है सच लेकिन इसका मतलब होता है ऐसा क्या मतलब होता है मतलब होता है ऐसा जैसे मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा मैंने जैसे कई बार होता है ना रास्ते में चलते हुए या ट्रेवल करते हुए हमें कई बार बहुत ही प्यारे बच्चे मिलते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा आई हैव नेवर सीन सच अट बेबी आई हैव नेवर सीन सच अवट बेबी मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा आई हैव ने क्यूट बेबी क्यों अगला शब्द है क्या है क्यों जिसका मतलब होता है वाय और यह सवाल पूछने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं सवाल में जब आपको सामने वाले से कारण जानना हो किसी चीज का तो वहां पर सवाल में वाई शब्द का इस्तेमाल होता है क्योंकि इसकी हिंदी मीनिंग होती है क्यों इसकी अंग्रेजी में होती है वाई तो सीधी सी बात है जब सामने वाले से आप किसी सवाल का जवाब चाहते हैं और सवाल जो है आपका ऐसा है जो कारण पूछने वाला है वहां पर वाई शब्द का इस्तेमाल करेंगे आप क्यों चले गए वाई डिड यू गो आप क्यों चले गए वाई डिड यू गो अगला शब्द है कौन या जो जिसके जगह पर अंग्रेजी में आप इस्तेमाल करेंगे शब्द हु का डब्ल्यू एच ओ हु इसको पढ़ते हैं और ये व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है जैसे हमारे घर पे कोई आता है हम लोग पूछते हैं ना कौन आया तो ये जो कौन है ये किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है राइट तो उसकी अंग्रेजी वाले क्वेश्चन में आप हु शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हु का इस्तेमाल जैसे ही आपने किया ये तो साफ बात है आप किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं राइट जैसे कौन आया हु, केम? कौन आया? हु केम? तो ये थी आज की क्लास जहां पर हमने पढ़े कुछ शब्द उनका मतलब उनका इस्तेमाल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ऐसी ही और क्लासेस के लिए स्टेट ट्यून And thank you so much for watching.